ग्वालियर शहर में इन दिनों लगातार झपटामारी की वारदातें सामने आ रही थीं, जिनकी पड़ताल के दौरान पुलिस के हाथ दो शातिर लुटेरे लगे हैं, जिनसे पूछताछ में अभी उन्होंने दो वारदातों का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस इन दोनों शातिर लुटेरों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इनसे और भी लूट की वारदातों का खुलासा हो सके। दरअसल अभी हाल के ही दिनों में राह चलते झपटामारी की वारदातों के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम इन झपटामारों का सुराग पता लगाने में जुटी हुई थी। जिस जगह लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस जगह ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे। पुलिस को एक चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में वारदात को अंजाम देने वाले दो लुटेरे नजर आए, जो किसी ऑटो वाले से बातचीत कर रहे थे। फिर क्या था, पुलिस ने ऑटो वाले की जानकारी जुटाई और जब ऑटो वाले तक पुलिस पहुंची और उससे बातचीत करने वाले युवकों की जानकारी ली, तो सीधे पुलिस के हाथ लुटेरों की गिरेबान तक पहुंच गए और पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों लुटेरों ने पुलिस के सामने अभी सिर्फ दो ही लूट की वारदात करना कबूल किया है, जिनमें से झांसी रोड थाना क्षेत्र में 11 सितंबर को मांडरे के माता के नीचे 60 वर्षीय विद्या देवी साहू के साथ लूट की वारदात हुई थी। साथ ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 31 अगस्त की शाम अर्चना पारासर से हुई लूट के मामले शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों से लूटा गया माल भी बरामद किया है। पकड़े गए दोनों लुटेरों में से एक हजीरा और दूसरा लश्कर क्षेत्र का रहने वाला है, जिनमें से एक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंतर्गत हुई दो लूटों का खुलासा, दो चेन स्नैचिंग का खुलासा अभी किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी एट्स ईस्ट सीएसपी विश्वविद्यालय और विशेषकर थाना झांसी रोड की टीम, जिसमें मिर्जा आसिफ बेग और उनके साथ के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राउंड में मेहनत करते हुए इसका खुलासा किया। 11 तारीख को मांडरे की माता चौराहे पे एक चेन स्नैचिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद दूसरी चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं। और इसको खुलासा करने के लिए जो इन्होंने टैक्टिस की, पूरे सीसीटीवी इन्होंने देखे और जो बदमाश चेन स्नैचिंग करते हुए दिखे हैं उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सीसीटीवी खंगाले गए और इन्होंने 5-6 घंटे पीछे तक, 7 घंटे पीछे तक जाके उसकी लोकेशन ली और उसमें वो एक ठेले वाले से बात करते नजर आए, एक जगह एक ऑटो वाले से बात करते नजर आए और उस ऑटो वाले से बातचीत करके इन बदमाशों के बारे में पूरी जानकारी ली गई और फाइनली इनको पकड़ा गया। इसमें से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन्होंने ये दो घटनाएं कबूली हैं झांसी रोड की, जिनका माल बरामद हो गया और इसके अलावा एक विश्वविद्यालय में हुई चेन स्नैचिंग भी इन्होंने कबूली है और आज इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि पूछताछ में हो सकता है हमारी कोई पुरानी एक दो चेन स्नैचिंग और इनसे निकल सकती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः ये ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, एक जो है थाना हजीरा क्षेत्र का है, एक लश्कर का है और एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दूसरे के बारे में अभी पता किया जा रहा है। इसमें पूरी टीम को 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरे द्वारा दिया गया। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।